शेर और बाघ में कौन सवार होकर आती है? मां दुर्गा। मैंने मां दुर्गा मतलब नारी शक्ति। ये नारी शक्ति हमारी भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाली शक्ति। ये जो हमारी देश में कुटुंब व्यवस्था है, ये जो परिवार की व्यवस्था है, इसका गंभीरतापूर्वक विचार करिए। इस परिवार व्यवस्था को चलाने का केंद्र बिंदु में कौन है बताओ भैया? कौन है? महिला। अगर हमारे घर में महिला शक्ति नहीं रहती तो परिवार चलता। पुरुष जरूर पैसा लाके कमा के दे देता है, लेकिन घर कौन चलाता है? कौन चलाता भैया? कौन बच्चों का चिंता करता है? खेती का काम भी हुआ बरसात में तो कौन करता है? बुआई से लेकर कटाई महिला। बकरी कौन चला रहा? महिला। सब्जी कौन बेचती है? महिला। मछुआरा जरूर मच्छी निकालता होगा, मच्छी बेचने का काम कौन करता है? महिला। कुम्हार जरूर चक्की घुमाता है, लेकिन मिट्टी कौन सानती है? महिला। ये जो परिवार की शक्ति है, हमारी सरकार इसे राज्य की शक्ति बनाना और महिलाओं के शक्ति के आधार पर इस राज्य को शक्तिशाली प्रदेश बनाना, समृद्धशाली प्रदेश बनाना, खुशहाल प्रदेश बनाना, स्वावलंबी प्रदेश बनाना, यह हमारी सरकार का संकल्प है। और इसलिए इस महिला शक्ति को, जहां मैं जब मुख्यमंत्री बना मात्र 43,000 स्वयं सहायता समूह ग्रुप, ये शक्ति हमारी राज्य की शक्ति बने, इसलिए गांव गांव में हमने सखी मंडल का गठन कराने का काम किया। आज पूरे देश राज्य में 2,17,000 सखी मंडल हमारी काम किया। और इस सखी मंडल को बैंक से और सरकार से पैसे देकर स्वरोजगार में हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।